भारत में जाके अपने वर्ल्ड कप जीतना है। Exactly. इससे बड़ा क्या हाय पाकिस्तानियों को मिल सकता है। अच्छा, इनकी अपनी बैटिंग भी रीजन बन सकती है, जैसे हमने देखा कि आज भी स्ट्रगल किया स्पिनर के अगेंस्ट और वल्लभ अग्रवाल ने उनको आउट किया और जिस तरह फंसे स्पिनर को, फिर वो आप जब पिच से रीड करेंगे तो फंसेंगे, वही हुआ आज। ये इनको फ्लो नहीं है, वो टॉप ऑर्डर में उस तरह की फ्लो नहीं है। देखे ना, रिजवान को भी फसवीं एक इनिंग्स खेलनी पड़ी, बाद में वो ब्लॉसम किया उन्होंने। सो ये आपके पास टाइम ही नहीं, बाकी टीम्स जो है ना वो तगड़ी आके ना पूरी तरह हमला करती हैं, वो इनको प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये खुद सॉल्व करेंगे ना, ये बाहर से तो कोई आनी नहीं है। फ्लाई कौन सी है मखलूक, उसने आके हाँ जाके उसको सॉर्ट आउट नहीं करना कि इनकी कोनी सीधी आएगी और बल्ला सीधा आएगा और ये ऐसे करेंगे तो छह मार देंगे, ये खुद करना है इनको। अपॉर्चुनिटी बनी थी रिजवान से, कैच ड्रॉप हो गया, कैसे देख रहे? ड्रॉप नहीं होना चाहिए, ये बड़ी सिंपल सी बात है कि श्रीलंका का जो था कैच, ये सारी चीजें जब आपके नहीं चलती है ना साथ तो फिर नहीं चलती है। सो छोटी छोटी मिस्टेक्स बड़ी बड़ी बन जाती हैं, मैग्नीफाई हो जाती हैं और ये टेंशन है बेसिकली। देखे ना, कहीं हार ना जाए उसकी टेंशन है, कंसंट्रेशन आपके लेवल्स जो हैं वो 19-20 होते रहते हैं बिकॉज आपका माइंड कहीं और होता है। तो क्रिकेट में बड़ा जरूरी है, किसी भी स्पोर्ट्स में जरूरी है कि आप ब्लिंकर्स ऑन करके उस सिचुएशन में रहें, ना आगे की सोचें ना पीछे जो हुआ उसकी सोचें, और ये सबसे मुश्किल काम है कि प्रेजेंट में रह के और उस सिनेरियो को गेज करके और उसके ऊपर फिर आपने अमल करना है और रिमेनिंग इन द मोमेंट। हमें बहुत दफा कहा जाता है क्रिकेट में खासतौर पे कि रिमेन इन द मोमेंट, वो बॉल आ रहा है बॉल को देखें और कुछ मत सोचें। सो क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस की होती है कि आपको पता है कि करना क्या है, सो ऑटोमेटिक आपकी काम जो है ना बल्ला करेगा या बॉल कहाँ पे फेंकनी है वो ऑटोमेटिक चीजें होती है। बट ये नहीं हो रहा है, इसलिए कि जो भारत की डिफीट है वो ले बैठी है। अनफॉर्चुनेटली वो मेंटली टोटल किसी शेल में चले गए। अच्छा, बाबर आजम की कैप्टनसी के बारे से पूछना चाहूंगा, जो पहले प्री मेडिटेटेड किस्म के डिसीजन करते चले जा रहे हैं, स्क्रिप्ट लिखा होता है उन्होंने, माइंड में सोचा होता है, वही चीजें चल रही है। देखो इरफान, जो कप्तान होता है ना वो उतना ही बड़ा होता है या उतना ही कम बड़ा होता है जितनी उसकी टीम होती है। सो अगर वो एक फील्ड आपको सेट करके दे रहा है और बॉलर्स को कह रहा है कि यहाँ पे आपने बॉलिंग करनी है और उनकी नहीं है स्किल के वहाँ बॉल करेंगे, तो वो आपको बिल्कुल ही एक यूजलेस कैप्टन सामने दिखा देंगे। सो ये जो होते हैं ना, ये कहना कि एक हाँ, कई होते हैं जो छोटी टीम को बड़ा कर देते हैं, वो इंस्पायर करते हैं और फिर वो अपने से बढ़ के खेलते हैं। हमारी 92 की वर्ल्ड कप की जो टीम थी, मैं बात भी की थी कि 99 वर्ल्ड कप से टीम के फाइनलिस्ट से हमारा मुकाबला होता तो हम शायद 10 विकेटों से हार जाते, क्योंकि टैलेंट जो 99 की टीम में था वो नहीं था 92 की। बट वो अलग चीजें थी उसमें, कि नेवर से डाई की स्पिरिट थी, एक बड़ा ख्वाब दिखाया गया था, गोल ये था कि जी वर्ल्ड कप जीतना है, वर्ल्ड कप जीतना है, टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये चीजें जो है ना, इसके ऊपर कई टीम्स काम करती हैं और ये करने की जरूरत है, खासतौर पे जब आप गिरे हो। और हमारा तो हाल बिल्कुल ही फ्लैट थे, हम हार ही जा रहे थे। तो बाबर आजम को भी अब समहाउ इनको वापस फोकस में लाना है, अगर फिर आपको वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए इनको दोबारा से इकट्ठा करना होगा और फिर एक साइकोलॉजिस्ट भी है इनके साथ जो आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो उससे बात करें, वो आपको काम डाउन करेगा, आपकी नर्व्स को काम डाउन करेगा, आपको प्रोसेस बताएगा, क्योंकि प्रोसेस फॉलो करना है और फिर क्लैरिटी देनी है और पर्पस डिफाइन करना है, और डिफाइन पर्पस जो है वो किया हुआ है कि भारत में जाके अपने वर्ल्ड कप जीतना है। Exactly. इससे बड़ा क्या हाय पाकिस्तानियों को मिल सकता है। अच्छा, इनकी अपनी बैटिंग भी रीजन बन सकती है, जैसे हमने देखा कि आज भी स्ट्रगल किया स्पिनर के अगेंस्ट और वल्लभ अग्रवाल ने उनको आउट किया और जिस तरह फंसे स्पिनर को, फिर वो आप जब पिच से रीड करेंगे तो फंसेंगे, वही हुआ आज। ये इनको फ्लो नहीं है, वो टॉप ऑर्डर में उस तरह की फ्लो नहीं है। देखे ना, रिजवान को भी फसवीं एक इनिंग्स खेलनी पड़ी, बाद में वो ब्लॉसम किया उन्होंने। सो ये आपके पास टाइम ही नहीं, बाकी टीम्स जो है ना वो तगड़ी आके ना पूरी तरह हमला करती हैं, वो जैसे होता है ना एंट उनका पखा होता है, वो ये है सिचुएशन। तो ये इनका एंट अभी नहीं पखा, तो इनको प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये खुद सॉल्व करेंगे ना, ये बाहर से तो कोई आनी नहीं है। फ्लाई कौन सी है मखलूक, उसने आके हाँ जाके उसको सॉर्ट आउट नहीं करना कि इनकी कोनी सीधी आएगी और बल्ला सीधा आएगा और ये ऐसे करेंगे तो छह मार देंगे, ये खुद करना है इनको।